हम मिल रहे हैं यहाँ पे गार्ड हैं तो और अभी मतलब विकास होने वाला है प्लेटफॉर्म विकास होने वाला है, और भागलपुर जंक्शन को सुन रहे पटना जंक्शन जैसा बनाया जाने वाला बनाया जाने वाला है, क्योंकि अभी 3 नंबर में और 5 नंबर में लिफ्ट का मैंने चर्चा हो रहा है। हाँ, ये एक्सीलेटर नहीं, वो लिफ्ट वाली जो है। हाँ, लिफ्ट वाला लगेगा। हाँ, अभी हम लोग आ चुके हैं बहुत ही अच्छी जगह, तो बताते हैं आप लोगों को तुरंत। तो गाइस, आप लोगों का स्वागत है बाबुल यादव गुरु चैनल में। मेरा नाम बाबुल, और आप लोग देख रहे हैं बाबुल यादव गुरु चैनल। अभी हम लोग आए भागलपुर जंक्शन के पास, पीछे देख सकते हो इधर भागलपुर जंक्शन। और अभी आप लोग किसी का ब्लॉग दिखाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बदलाव हुई है। तो अपनी चलते हैं आगे, तो और अंदर की ओर आप लोगों को दिखाते हैं कितने इंटरेस्टिंग अभी चीज़ें आई हैं जंक्शन पे, क्योंकि रिएक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से बन रहा है। चारों ओर सफाई भी ध्यान दिया गया है, पिछले बार हम लोग आए थे तो सफाई पर ध्यान नहीं दिया था, तो अब सफाई पर भी ध्यान दिया गया है। तो अभी हम लोग अंदर जाके आप लोगों को दिखाएंगे। इस बार लेकिन पूरे क्लीनिंग पे ध्यान दिया गया है, क्योंकि शायद अगर इलेक्शन है इस वजह से क्लीनिंग पे ध्यान दिया गया है, और बहुत ही साफ़ सुथरा रखा गया है। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने के कारण हमें थोड़ा शूट करने में तकलीफ़ हो रही है। इधर से सूर्य आ रहा सीधे, और अभी पीछे भी देख सकते हैं आप लोग अभी भी सफाई चालू ही है। और भी आगे दिखाता हूँ क्या क्या अभी नया चीज़ लगा है जंक्शन पे, आप लोग बने रहो इस वीडियो में। अभी Old walls that I built for you, just to dig me out with silver spoons. No, I didn't see it coming. Oh, old walls that I'm stuck inside. I guess beauty sees what I can't find. I didn't, no, I didn't see it coming. Well, I got your code and I got your message. I want you to know that you are the love of my life, the love of my life. You never leave when the song is over. You ride or die till the end. We are मिल रहे हैं यहाँ पे गार्ड हैं, तो आप लोग इससे भी कुछ हम बात करते हैं। तो ये कब मर बना है इस बीच में पूरा कंप्लीट? ये हम लोग जनवरी से हम यहाँ हैं, इसके पहले से ये एक महीना पहले से ये चल रही थी। तो और भी प्लेटफॉर्म कभी बने थे, इस बात की जानकारी हमें नहीं है, ये बात हमारे साहब जी से पूछना। तो अभी मतलब प्लेटफॉर्म पे अभी मतलब जैसे देख रहे हैं सफाई सब हुआ है बहुत ही अच्छा। हाँ, दिखने में हाँ, पहले से सुधार हुआ है, पहले से बहुत ही सुधार हुआ। हाँ, हाँ, ये बात। तो और अभी मतलब विकास होने वाला है? विकास होने वाला है, और भागलपुर जंक्शन को सुन रहे पटना जंक्शन जैसा बनाया जाने वाला है। बनाया जाने वाला है, क्योंकि अभी 3 नंबर में और 5 नंबर में लिफ्ट का मैंने चर्चा हो रहा है। हाँ,
ये एक्सीटर नहीं, वो लिफ्ट वाली जो है, हाँ लिफ्ट वाली लगेगा। हाँ यहाँ के स्टेशन मास्टरों का कहना है, हाँ 3 नंबर और 5 नंबर में लिफ्ट लगेगा, बाकी बाहर एक एक्सीटर लगने का चांस है। वो ब्रिज जो जा रहा है दूसरा ब्रिज, हाँ वो जो बाहर निकाल रहा है, हाँ उसमें ये एक्सीटर लगने की बात है। एक एक्सीटर यहाँ पर है जो हम यहाँ को। ठीक है सर, आप इतना जानकारी दी आपका धन्यवाद। आप अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम दीप नारायण मंडल है। थैंक यू सर। तो अभी हम लोग लिफ्ट पे चढ़ चुके हैं, तो नीचे देख सकते हो गार्ड साहब से बात हुई और मुझे बहुत ही अच्छा लगा बात करने में। तो अभी आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं बस इस लिफ्ट पे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोग दिखाता हूँ। व्यू आप लोग पीछे से देख सकते हो और आगे से भी दिखाऊँगा। तो अभी नीचे उतरूँगा वहाँ से, तो आप लोग उधर से देखना। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि इसमें लिफ्ट का सिस्टम भी लग चुका है। और भी चाहूँगा मैं भागलपुर जंक्शन को बनाने में मतलब मदद करें आप लोग भी, और सफाई पे ध्यान दें। हम लोग उतर रहे हैं यहाँ से नीचे और दूसरे जगह जा रहे हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे मैंने शायद जैसे गिना है तो 8 या 9 प्लेटफॉर्म है, मुझे शायद जैसे लगा 8 प्लेटफॉर्म है पूरे जंक्शन पे। तो भागलपुर मतलब पटना जंक्शन से तो कम ही है, वो भी अभी इंटरेस्टिंग बनाया गया है इस जंक्शन को पूरी अच्छी तरीके से। आई एम रियली सॉरी गाइज, क्योंकि मुझे माफ था, मुझे प्लेटफॉर्म के बारे में पता नहीं था, बट यहाँ पे मात्र 6 प्लेटफॉर्म है, उसके लिए आप लोग से मैं माफ़ी चाहूँगा। मैंने अभी देखा तो यहाँ पे बस 6 प्लेटफॉर्म है, तो आप लोग उसके बारे में मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने गलती से बोल दिया 8 और 6 ही प्लेटफॉर्म है। तो आप लोगों को मैं अभी ऊपर से व्यू दिखाता हूँ, ऊपर से किस टाइप का व्यू दिखता है और ट्रेन आने जाने का, और यहाँ से बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अभी उधर देखिए आप लोग, यहाँ से दिख रहा होगा तो जस्ट मेरे पीछे काम भी हो रहा है, पीछे आप लोग देख सकते हो। अभी आप लोगों को आगे से दिखाता हूँ उस साइड से जाके, तो अभी तक बने रहो इसी वीडियो में। इंटरेस्टिंग टाइप का मतलब बनाया गया है यहाँ से आप लोगों को, वातावरण सफाई का माहौल और बहुत ही कम पिछड़े पहले से कचरा मिलेगा। तो आप लोगों को मतलब जंक्शन पे चारों साइड डस्टबिन लग चुका है और पूरे पहुँचे फेंकने का आप लोगों को प्लेटफॉर्म पे जरूरत नहीं पड़ेगा, अब डस्टबिन में फेंके। मैं तो यही बोलूँगा क्योंकि डस्टबिन चारों साइड लग चुका था। अभी आप लोग देख सकते हो इधर भी डस्टबिन लगा हुआ है, इधर देखिए आप लोग, उधर डस्टबिन देखिए अभी भी लगा हुआ है। जो मेरे पीछे आप लोग वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे पार्किंग की सुविधा है, ऑटो स्टैंड बाइक पार्किंग और बहुत सारी पार्किंग का पीछे सुविधा है उधर, और इधर देख सकते हो उधर इतनी अच्छी पार्किंग की सुविधा। यहाँ से मतलब एक अच्छा व्यू लग रहा है, पीछे लोग बहुत सारे हैं और इतना अच्छा इंटरेस्टिंग मतलब माहौल लग रहा है, और वो भी शाम के समय मैं आया हूँ तो मुझे और भी अच्छा माहौल लग रहा है। तो गाइस आई होप वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। अभी के लिए बस इतना इस वीडियो में, और अब मिलेगी अगली वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट टाइम। आई होप वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।